हेलो दोस्तों, आप सभी लोग तो अपने पसंद का कोई भी फोटोज को, वीडियोस को या फिर कोई भी गाने को अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में, कोई भी पेन ड्राइव में या फिर कोई एसडी कार्ड में सेव करके रखते होंगे। लेकिन ऐसा बहुत बार हो जाता है कि हम उसको डिलीट कर देते हैं या फिर वो गलती से डिलीट हो जाता है और हम उसको रिकवर भी नहीं कर पाते। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे बड़े ही आसानी से कोई भी स्टोरेज डिवाइस से कोई भी डिलीटेड फाइल को आराम से रिकवर कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आज मैं जिस डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का रिव्यू करने जा रहा हूँ, इसका नाम है EASEUS डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपके लिए एक बढ़िया खबर है कि आप जीत सकते हो आईफोन 8 या फिर $500। अभी चल रहा है EASEUS का 14 एनिवर्सरी और यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको यहाँ पर अपना नाम डालना होगा, उसके बाद आपको ईमेल डालना होगा, उसके बाद आपको यूट्यूब के चैनल का जो लिंक है उसको यहाँ पर डाल के आपको ज्वाइन नाउ में क्लिक कर देना है। और अगर आप सिलेक्टेड हो गए तो उसके बाद आपको एक वीडियो बनाना होगा इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसके बाद इन लोगों को भेजना होगा। और अगर आप जीत गए तो आपको मिल जाएगा आईफोन 8 या फिर $500, जो सेकेंड पोजीशन में आएगा उसको मिलेगा $150 और जो थर्ड पोजीशन में आएगा उसको मिलेगा $100। तो काफ़ी एक बढ़िया चांस है, तो आप ज़रूर इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और ये कॉन्टेस्ट चलेगा 23 अगस्त तक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये रहा EASEUS का डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। काफ़ी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है और जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है बिल्कुल ऐसे ही ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। इसके बाद आपको इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। देखिए ये रहा EASEUS का डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। देखिए अभी मेरा हार्ड ड्राइव यहाँ पर शो हो रहा है, अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो आपको यहाँ पर शो होगा। तो मेरे पास एक एसडी कार्ड है तो मैं इसको इसमें लगा देता हूँ। तो देखिए मेरा एसडी कार्ड अभी यहाँ पर डिटेक्ट हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे एसडी कार्ड में है क्या। देखिए मेरा एसडी कार्ड बिल्कुल खाली है। मैं यहाँ पर दो पिक्चर को यहाँ पर सेव किया था, उसके बाद मैं इसको डिलीट कर दिया आपको दिखाने के लिए। तो अभी ये खाली है, तो चलिए मैं अभी जो एसडी कार्ड है इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। और अगर आप हार्ड ड्राइव को स्कैन करना चाहते हो तो आप हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको स्कैन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पर क्विक स्कैन शुरू हो गया है और देखिए आपको क्विक स्कैन रिजल्ट में आपको ये तो पिक्चर अभी शो हो रहा है। और यहाँ पर आप डीप स्कैन का रिजल्ट भी देख सकते हो। डीप स्कैन में थोड़ा सा टाइम लगता है और यहाँ पर आपको अगर आपका पेन ड्राइव या फिर एसडी कार्ड फॉर्मेटेड है उसके बाद जो पिछला जो पुराना फाइल्स था आप यहाँ पर इसको रिकवर कर सकते हो। तो मैं अभी जो दो फाइल यहाँ पर है क्विक स्कैन में आया है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर रिकवर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर कौन से ड्राइव में आपको इसको सेव करना है इसको सिलेक्ट करना है, तो मैं अभी यूएसबी ड्राइव में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ओके दबा देता हूँ, इसके बाद सेव दबा देता हूँ। तो देखिए कितना जल्दी ये रिकवर हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं वो फाइल रिकवर हुआ है या नहीं। देखिए जो फाइल मैं डिलीट कर दिया था अभी यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो आपने देखा कि कितना आसान है कोई भी डिलीटेड फाइल को रिकवर करना इस सॉफ्टवेयर की मदद से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास वाले बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए। मिलता हूं मैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।